नमस्कार। कश्मीर फाइल्स फिल्म एक बार फिर से चर्चा में है। हुआ ये कि पणजी में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हो रहा है, जो भारत सरकार आयोजित करती है। उसकी जूरी ने ये फैसला किया कि कश्मीर फाइल्स एक ऐसी फिल्म है जो वल्गर है। वल्गर का आप एक अनुवाद कर सकते हैं अभद्र, दूसरा अनुवाद कर सकते हैं अश्लील, और साथ में प्रोपोगंडा है। और इसलिए वो इतनी शानदार फिल्मों का, जहां पे कलात्मक फिल्में होती हैं, उनकी श्रेणी में उसको शामिल नहीं किया जा सकता। यानी मोटी बात यह है कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो पणजी में हो रहा है, उसकी सूची से कश्मीर फाइल्स को यह कहते हुए बाहर निकाल दिया गया कि वो न केवल अभद्र है बल्कि एक प्रोपोगंडा फिल्म है। जब कल रात को जूरी के हेड नडाव लैपिट का वो वीडियो आया तो चारों तरफ तहलका मच गया। मचना ही था। एक तो भारत सरकार ये कार्यक्रम आयोजित करती है, और आप जानते हैं कि भारत सरकार के उच्च पदस्थ लोगों ने, यहां तक कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने भी इस फिल्म को प्रमोट किया था, इस फिल्म को देखने की सलाह दी थी, कहा था कि इस फिल्म के साथ पहली बार सच्चाई सामने आई है, हमें पहली बार सच्चाई पता चली है। दूसरी तरफ एक इजरायली व्यक्ति द्वारा, नडाव लैपिट इजराइल से बिलोंग करते हैं, और इजराइल जो हमारी सरकार है उसके बड़े करीब माना जाता है, भारत सरकार के बहुत करीब माना जाता है, तो एक इजरायली व्यक्ति द्वारा इसको कहा जाना काफी लोगों को खल गया। हालत ये हुई कि सुबह सुबह आज इजरायल के जो राजदूत हैं उन्होंने बाकायदा ट्विटर पर एक बयान जारी किया, और बयान जारी करके कहा कि यह शर्मनाक है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। पहली बात तो ये कि नडाव लैपिट जो हैं केवल उस जूरी के हेड हैं, उस जूरी में बाकी देशों के भी लोग हैं और एक भारतीय निर्देशक भी शामिल हैं। ये कोई नडाव लैपिट का अपना फैसला नहीं था, पूरी जूरी का फैसला था। दूसरी बात, क्यों इस फिल्म को अश्लील, अभद्र और प्रोपोगंडा फिल्म कहा जा रहा है? प्रोपोगंडा सुन के एक बात याद आती है। हिटलर जब जर्मनी का प्रमुख था तो उसने अपने सबसे करीबी गोएबल्स को मिनिस्ट्री ऑफ प्रोपोगंडा का हेड बनाया था। यह मिनिस्ट्री ऑफ प्रोपोगंडा करती क्या थी? मिनिस्ट्री ऑफ प्रोपोगंडा, उस जमाने में नया नया मीडिया आया था, रेडियो, और एक और मीडिया जो अभी नया ही था, सिनेमा। इन दोनों पर उसने पूरी तरह से कब्जा किया। पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग यानी रेडियो, और लोगों के मनोरंजन की चीज यानी सिनेमा, और उसको पूरी तरह से कब्जा करके सिर्फ ऐसी फिल्में बनाई जो यहूदियों के प्रति घृणा को बढ़ावा देती थी, और रेडियो पर लगातार ऐसे कार्यक्रम बनाए गए जो यहूदियों के नरसंहार को सही ठहराते थे या फिर यहूदियों के खिलाफ घृणा फैलाते थे। नतीजा क्या हुआ कि जर्मनी की एक पूरी पीढ़ी ने यहूदियों के खिलाफ अभियान चलाया, यहूदियों के साथ अत्याचार हुआ, और अंततः सेकेंड वर्ल्ड वार में जो कुछ हुआ वो आप जानते हैं। हिटलर को आत्महत्या करनी पड़ी, और उसके कुछ दिनों बाद गोएबल्स को अपने 6 बच्चों की हत्या करके पत्नी सहित आत्महत्या करनी पड़ी। यानी प्रोपोगंडा का मतलब क्या हुआ? प्रोपोगंडा का मतलब हुआ कि सच्चाई को एक तरफ करके या थोड़ी बहुत सच्चाई का उपयोग करके एक खास समुदाय के खिलाफ, एक खास विचार के खिलाफ ऐसा अभियान चलाना कि लोगों में, उनके मन में नफरत पैदा हो। कश्मीर फाइल्स दरअसल एग्जैक्टली यही कर रही थी। मैंने पहले भी कश्मीर फाइल्स पे कई सारे वीडियो बनाए हैं, जो डिटेल्स दूंगा उसमें उनके लिंक दे दूंगा, आप काफी लोगों ने देखे भी होंगे। मैंने बार बार कहा है कि पहले तो यही झूठ है कि कश्मीर फाइल्स कोई ऐसा सच लेकर आती है जो पहले नहीं कहा गया है। मैंने भी कश्मीर पर एक किताब लिखी है, कश्मीर और कश्मीरी पंडित, ढेरों और किताबें आपको मिल जाएंगी जिनमें ये सारी बातें कही गई हैं। लेकिन इस फिल्म में जिस सच को दिखाने का दावा किया गया है, उस सच को दिखाने का एक क्लियर मकसद है, और वो है दूसरे समुदाय के प्रति नफरत पैदा करना। मैंने पहले भी जिक्र किया था एक वीडियो में, आज फिर मैं कर रहा हूं, किसके पहले शिकारा फिल्म बनी थी। शिकारा फिल्म के अंत में क्या होता है? जो कश्मीरी पंडित नायक है वो लौटकर अपने गांव चला जाता है। एक सकारात्मक अंत है। कश्मीर में जो कुछ हुआ 90 में, उसका सकारात्मक अंत क्या हो सकता है कि जिनके साथ अन्याय हुआ उन्हें न्याय मिले, वो लौटकर अपने घर जाएं। लौटकर अपने घर कब जा सकते हैं वो? जब कश्मीर में शांति हो, कश्मीर में रोजगार मिले। और कश्मीर में शांति कब होगी? जब पड़ोसियों की तरह वो रह पाएंगे, क्योंकि अभी जो कश्मीर में रह रहे हैं उन्हीं के बीच में जाकर उन्हें रहना है।
लेकिन ये फिल्म ऐसा कोई उद्देश्य अपने सामने लेकर नहीं चलती। ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ नफरत को बढ़ावा देती है। और हम जानते हैं कि उस दौर में जब ये फिल्म आई थी तो कई सारी ऐसी घटनाएं हुई थी जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि इस फिल्म से जो उत्तेजना मिली, नफरत का जो डोज मिला, उसको जाकर लोगों ने जमीन पर अंजाम दिया। इसके बाद कश्मीर में जो हालात बने हैं वो भी आपसे छुपे नहीं हैं। जो कश्मीरी पंडित 90 के दौर में भी घाटी छोड़ के नहीं गए थे, उन्हें आज कश्मीर छोड़कर जाना पड़ रहा है। उनके अंदर एक भय का माहौल है। और ये फिल्म वल्गर क्यों है, अभद्र क्यों है, अश्लील क्यों है? अश्लीलता को आमतौर पर अंग प्रदर्शन वगैरह से जोड़ दिया जाता है। नहीं, इतना ही नहीं होता है। अश्लीलता तब भी है जब हिंसा को कुछ इस तरह से दिखाया जाए कि वो सामने वाले के मन में हिंसा के लिए कोई घृणा ना पैदा करे, सामने वाले के मन में अहिंसा के प्रति कोई सम्मान ना पैदा करे, बल्कि बदला लेने पर उकसाए। ये फिल्म पूरी इस तरह से बनाई गई है, इस फिल्म का पूरा मेक इस तरह से है कि ये फिल्म बदला लेने के लिए उकसाती है, नफरत के लिए उकसाती है। इसीलिए वो जूरी जो फिल्मों से ही जुड़ी हुई है, जिसने फिल्में ही देखी हैं, जो फिल्में ही बनाई हैं, जिसमें फिल्म के एक से एक एक्सपर्ट लोग हैं, वो इस फिल्म को अश्लील, अभद्र और प्रोपोगेंडा कह रही है। जानते हैं, मैंने जर्मनी का जिक्र किया, जर्मनी में जो होलोकास्ट हुआ था जिसमें लाखों यहूदियों को मार दिया गया था, उनके घर जला दिए गए थे, क्या क्या नहीं हुआ था, उस पर भी फिल्में बनी हैं। शिंडलर्स लिस्ट आप में से ज़्यादातर लोगों ने देखी होगी, सोफीज ड्रीम आप में से ज्यादातर लोगों ने देखी हो। ये फिल्में होलोकास्ट पे बनी थी। इनके भी निर्देशक अगर चाहते तो उनका उपयोग जो है वो नफरत फैलाने के लिए कर सकते थे, लेकिन ये फिल्में होलोकास्ट को पूरी संवेदनशीलता, गंभीरता, तथ्यात्मक सच्चाइयों के साथ दिखाते हुए भी आपके मन में हिंसा के लिए नफरत पैदा करती हैं, आपको बताती हैं कि हिंसा हमेशा मनुष्यता को नष्ट करती है। एक उपन्यास का जिक्र करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। निर्मल वर्मा हिंदी के बड़े उपन्यासकार हैं, उन्होंने एक उपन्यास का अनुवाद किया है, यान उल्चिनावल शेख के उपन्यास का अनुवाद किया है। उस उपन्यास का नाम है रोमियो, जूलियट और अंधेरा। हिटलर की उसी जर्मनी के दौर की कहानी है जब एक यहूदी लड़की भटक कर एक क्रिश्चियन लड़के के पास पहुंच जाती है। क्रिश्चियन लड़का उसको शरण देता है, चारों तरफ हिंसा का माहौल है। उस हिंसा के माहौल में वो शरण देता है, दोनों के बीच में प्रेम पनपता है। अंततः वो लड़की पकड़ी जाती है, हिटलर के सैनिक आकर उसको गिरफ्तार करते हैं और वही होता है उसके साथ भी जो सबके साथ हुआ उस दौर में। लेकिन उस उपन्यास को पढ़ते हुए आपको समझ में आता है कि कैसे प्रेम इन नफरतों से बड़ा है, कैसे नफरतों के भयानक से भयानक दौर में भी प्रेम और मनुष्यता जिंदा रहती है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि कला का उद्देश्य होता है शुभ का सृजन। जो शुभ है, जो मनुष्यता के लिए बेहतर है, उसकी सर्जना करती है कला। कला खून का बदला खून लेना नहीं सिखाती। कला ये नहीं सिखाती कि कल हिंसा हुई थी इसलिए आज फिर हिंसा होगी। कला ये सिखाती है कि कल जो हिंसा हुई थी वो गलत है, लेकिन अगर आज उसका बदला हिंसा से लिया जाएगा तो हिंसा का एक ऐसा सिलसिला चलेगा जिसमें कोई जिंदा नहीं बचेगा, जिसमें मनुष्यता लहू लुहान हो जाएगी। तो ये वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाने का सोचा क्योंकि पहली बात तो ये कि मैं उस जूरी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिसने नफरत फैलाने वाली, हिंसा फैलाने वाली, बदले की भावना से भर देने वाली इस फिल्म को खुलेआम अश्लील, अभद्र और प्रोपोगेंडा कहने का साहस किया। उस जूरी के हर मेंबर को मैं सलाम करता हूँ। और दूसरी बात ये कि मैं बार बार आपसे कहना चाहता हूँ कि कश्मीर के मामले को अगर हम सिर्फ हिंसा 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 की तरह देखते रहेंगे तो वो मामला न कभी सुलझने वाला है, न कभी समझ में आने वाला है। पिछले 30 सालों से वहां पर हिंसा का ही चक्र चल रहा है, इधर से भी उधर से भी। आज जरूरत यह है कि अगर कश्मीर पे बात करनी है तो कश्मीर में जो कश्मीरी पंडित रह रहे हैं उनको शामिल किया जाए, कश्मीर के लोगों को शामिल किया जाए और एक ऐसा सलूशन ढूंढा जाए जिसमें एक तरफ जो लोग वहां रह रहे हैं, चाहे वो पंडित हो या मुसलमान, वो सुरक्षित होकर रह सकें और दूसरी तरफ जिनको अपनी जमीन छोड़नी पड़ी वो इज्जत के साथ वापस जा सकें, अपनी जमीन पर रह सकें और कश्मीरियत का जो एक कल्चर है, जो वहां पर मिली जुली एक संस्कृति है, वो संस्कृति लगातार
आगे बढ़ती रहे, विकसित होती रहे, तभी कश्मीर धरती का स्वर्ग बन पाएगा। ऐसी नफरती बातों से वो नरक बन गया है और आगे बना रहेगा। आज बस इतना सा, बहुत शुक्रिया।